में ऑफ द मास्टर शेफ टीम चैलेंज में मैंने जो नाचनी यानी रागी और जवार का आटे का वड़ा बनाया था, तो मुझे बहुत सारे से कॉल आए कि बा हमें एक बार करके दिखाओ। हाँ, हमारे मैं एक ही मुझे ही एक एक पॉइंट मिला। मुझे प्रियंका ने लास्ट चैलेंज में बहुत 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 मुझे मदद की और उसने खुद मास्टर शेफ में उसने खुद ने बचाया। मैं आगे नहीं आई तो कुछ नहीं, लेकिन माँ को मदद करना मेरी फर्ज थी। मेरा फेवरेट कंटेस्टर तो सभी है, लेकिन देखिए आगे कौन जाता है। तीनों में मेरे फेवरेट है। हेलो, हाउ आर यू, कैसे हो आप, मजे में है ना? मैं भी मजे में हूँ। तो आज हम क्या बनाएंगे? आज हम बनाएंगे जो मास्टर शेफ में टीम चैलेंज में हमें जो बाजरी अरे जुआर और रागी, जुआर और रागी के वड़े बनाए थे, वही वड़े मैं आज आपको बना के दिखा देती हूँ। सब लोग को बहुत पसंद आए थे, आपको भी बहुत पसंद आएंगे। तो चलो बनाते हैं रागी और जवार के आटे के वड़े। हाँ, तो हमें रागी और जुआर के वड़े बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए, ये हमने लिया है रागी का आटा, ये मैंने लिया है जवारी का आटा, ये मैंने ली है कटी हुई मेथी की भाजी, ये हमें चाहिए दही, ये हमें चाहिए धनिया पाउडर, ये गुड़, ये हींग, ये हल्दी पाउडर, ये पीसी हुई हरी मिर्च, ये नमक, ये बेकिंग पाउडर यानी खाने का सोडा। हमने स्टफिंग करने के लिए लिए है ये पनीर और ये अनार के दाने। तो चलो तो हम शुरू करते हैं रागी और मकई के आटे के वड़े। वड़ा बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेनी है ये मेथी की भाजी, तो ये मैं मेथी की भाजी ले लेती हूँ। आपने देखा हमने कितनी मेथी की भाजी ली है वो। इसमें मैं डालूंगी धनिया पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, पाव चम्मच हींग पाउडर, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, ये हम डालेंगे पीसी हुई मिर्ची आधा चम्मच, और हमें इसमें अब हाँ स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये कटा हुआ गुड़। तो हमने ये दो से तीन चम्मच गुड़ ले लिया है, और अब हम इसमें डालेंगे दही। अब ये जो मसाले, पूरे मसाले हमने तैयार किए हैं, वो हमें मिक्स कर लेना है। अभी हमें ये सारे मसाले 5 से 7 मिनट ऐसा ही भिगा के रखना है। हाँ, तो आज मैं अपनी रेसिपी बनाने के लिए भारत बोटानिक सिंग तेल डालूंगी, कच्ची घानी का। कच्ची घानी किसको बोलते हैं आपको मालूम है? कच्ची घानी मतलब जो हमारे ज़माने में पहले पीनट डालते थे, फिर एक बैल को ऐसा गोल गोल घुमाते थे, और वो लकड़े की घानी होती है, उसे कच्ची घानी कहा जाते हैं। तो आज मैं ये प्रोडक्ट का तेल यूज करती हूँ। अब 5 से 7 मिनट हो गए हैं, हमारा मसाला भी भीग कर रेडी हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी ये जो भारत बोटानिक का जो ऑयल है वो मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगी, और हम फ्राई करने के लिए भी यही तेल यूज करेंगे। हमने 2 चम्मच छोटा चम्मच तेल डाला है। अब हम ये मसाला मिक्स कर लेंगे। हमारे सारे मसाले भीग के अच्छी तरह रेडी हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमने आटा लिया है वो। अब हम इसमें डालेंगे ये हमने जो जवारी का आटा लिया है वो, और हम ये डालेंगे रागी का आटा। हमने करीबन 4-4 चम्मच आटा डाला है।
अब हम इसे मिक्स करके देते हैं, अगर हमें जरूरत पड़ी तो और आटा डाल देंगे। और हमें थोड़ा पानी चाहिए। आटा हमें बहुत नरम नहीं करना है, थोड़ा कड़क ही रखना है। ये हमारा आटा गूंद के रेडी हो चुका है। अब मैं कढ़ाई में तेल गरम करने को रखती हूँ। अब मैं इसमें ये जो मैंने लिया है भारत बोटानिक्स का ऑयल, वो मैं डालती हूँ। वड़ा फ्राई करने के लिए मैंने तेल रख दिया है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें वड़े कैसे बनाने हैं। हाँ तो चलो, मैं आपको वड़े कैसे बनाना है, अंदर स्टफिंग कैसे करना है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो हमें पहले लोट के गोले बनाने हैं। हमने जो साइज के वड़े बनाने हैं वही साइज के हमें गोले बनाने हैं। तो अब हमने इतने गोले बना के रखे हैं और मैं आपको बताती हूँ अभी हमें कैसे उसमें स्टफिंग करना है। हमें गोले को लेकर ऐसे पूरा गोल घुमा लेने का है, जरा हाथ दबा दबा के लेना है। हमें इसे पॉकेट की जैसे बनाना है, जैसे हम लोग बोलते हैं वो दलिया आकार, तो ऐसे हमें बना लेना है। अब हमें इसमें डालना है ये जो हमने पनीर लिया है, वो पनीर आखा नहीं डालना है, हमें इसे थोड़ा तोड़ देना है। ये पनीर तोड़ के हमें अंदर भरना है और ये पनीर के साथ हमें इसमें 4 से 5 दाना पोमोग्रेनेट यानी दाड़म के डालने हैं। अब हमें इसे बंद कर लेना है अच्छी तरह। वापस हमें इसे गोल गोल ऐसा घुमा लेना है। ये हमारे वड़े तैयार है। इसी तरह हमें सारे वड़े बना लेने हैं। तो मैंने जो गोले किए थे वो मैंने सबने स्टफिंग करके तैयार कर लिए है। पनीर और पोमोग्रेनेट यानी दाड़म डाल के मैंने तैयार किए हैं। अब हमें इसे फ्राई करने हैं। फ्राई करने के लिए हमें क्या करना है, ये घोड़े को थोड़ा सा दबा लेना है, ऐसा प्रेस करके ऐसा बनाना है, पेड़े के जैसे आकार का ये घोड़े को बनाना है, गोले को बना लेना है। सब पेड़े मैंने प्रेस कर लिए हैं, अब मैं उसे फ्राई करूंगी। अब हमें गोले फ्राई करना है, काय के गोले, अरे जुवार और रागी के आटे के जो हमने वड़े बनाए हैं वो वड़े फ्राई करना है। तो चलो हम वड़े फ्राई कर लेते हैं। हमें हमारा तेल गर्म हो चुका है लेकिन हमें स्लो गैस पे वड़े फ्राई करना है। अब हमें स्लो गैस पर वड़े थोड़े लाल करने हैं। देखो हमारे वड़े फूल के कितने अच्छे हो गए हैं, आप देख सकते हैं। तो हमें इसे पूरा पका लेना है, थोड़े लाल करने हैं। अगर आपको चाहिए तो आप इसमें बाजरे का आटा भी डाल सकते हो, गेहूं का आटा थोड़ा मिक्स कर सकते हो, चने का आटा मिक्स कर सकते हो, आपको चाहिए वैसा आटा आप मिक्स कर सकते हो। अगर आपको हरी मिर्च नहीं अच्छी लगती है तो आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो, आपको जैसा बनाना है वैसा आप बना सकते हो। अब ये हमारे वड़े फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। अब हमें इसे निकाल लेना है। आपको मालूम है ये वड़े की कितनी अच्छी स्मेल आ रही है और वड़े भी देखो आपको फूल फूल के कितने अच्छे और बड़े हुए हैं। आप उसे बनाएंगे तो आपको मेथी की भाजी की इतनी अच्छी स्मेल आएगी उसमें से कि आपको ऐसा कहे वाह वाह, चलो अभी ये वड़ा बना के खा लेती हूँ। अब हमारे वड़े रेडी हो चुके हैं। तो ये मैं आपको सजा के दिखा देती हूँ, बाद में जो बचे हुए वड़े है वो मैं बना लूँगी। चलो आ जाओ गरम गरम वड़े खाने, मैं आपको बताती हूँ। देखो हमारे वड़े कैसे हुए अंदर से। अंदर से आपको पनीर भी दिख रहा है, आपको दाड़म के दाने भी दिख रहे हैं, थोड़ी बहुत ज़्यादा मेथी की भाजी भी दिख रही है। चलो आ जाओ खाने वड़े गरम गरम। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरी चैनल को सेव कीजिए, लाइव कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।